हेलो एर्थ क्लास वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस वी आर रीडिंग अ चैप्टर फ्रॉम अवर एन बुक इट्स टी बुक इट्स नेम ऑफ द चैप्टर इज द फाइट लेट अस स्टार्ट द चैप्टर रंजी हैड बीन लेस देन अ मंथ इन राजपुर रंजी को राजपुर में एक महीने से कम समय हुआ था वैन ही डिस्कवर दूल इन द फॉरेस्ट जब उसने जंगल में वो तालाब खोजा इट वॉज द हाइट ऑफ समर ग्रीष्म ऋतु की गर्मी थी एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपनड और उसका स्कूल अभी नॉट ओपनड अभी वो नहीं खुला था एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन दिस सेमी हिल स्टेशन और अभी उसने एज येट मीन्स अभी उसने इस अर्ध पहाड़ी स्टेशन पर अभी उसने कोई मित्र नहीं बनाए थे ही वांडर्ड अबाउट गुड डील बाई हिमसेल्फ वो अकेले बहुत ज्यादा घूमता रहा घूमने लगा वो बहुत ज्यादा अकेले में इन टू द हिल्स पहाड़ियों में एंड फॉरेस्ट और जंगलों में वो घूमने लगा दैट स्ट्रेच अवे इंटरमाइनेबली ऑन ऑल sides ऑफ द टाउन जो कि वहां उस शहर के उस कस्बे के सभी तरफ वो जंगल अनंत रूप से फैला हुआ था दूर दूर तक फैला हुआ था इट वॉज हॉट गर्मी थी वेरी हॉट बहुत ज़्यादा गर्मी थी एट दैट टाइम ऑफ द ईयर साल के उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी थी एंड रंजी वॉकड अबाउट इन इज वेस्ट एंड शॉर्ट्स और रंजी अपने बनियान और अपने जांघिए में वो घूमता रहता था हिज ब्राउन फीट वाइट विद द चौकी डस्ट और उसके वो भूरे पैर सफेद धूल से चौक जैसे सफेद धूल से उसके पैर भी सफेद हो गए थे दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड जो धूल जमीन से उड़कर ऊपर आती थी द अर्थ वॉज पार्श धरती सूखी हुई थी द ग्रास ब्राउन और घास भूरी हो गई थी द ट्रीज लिसलेस और वो पेड़ बेजान हो गए थे हार्डली स्टरिंग और वो मुश्किल से ही वो हिल हिल रहे थे वेचिंग फॉर अ कूल विंड और वो पेड़ भी ठंडी ठंडी पवन का इंतजार कर रहे थे और अ रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन और वो तरताज़ा करने वाली बौछार वर्षा की बौछार का इंतजार कर रहे थे इट वॉज ऑन सचर डे ऐसे ही किसी दिन अ हॉट टायर्ड डे गर्म और ऐसे थकान भरे दिन दैट रंजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट रंजी ने जंगल में वो तालाब खोजा द वॉटर जेंटल ट्रांसलूसेंसी पानी में थोड़ी पारदर्शिता थी मतलब पानी के अंदर देखा जा सकता था एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल और आप उस तालाब के तले में नरम नरम गोल गोल कंकड़ों को देख सकते थे A small stream emerged from a cluster of rocks to feed the pool. एक छोटा सा नाला जो कि जो कि chatano के झुंड में से chatano के ढेर में से nikal kar उस तालाब में पानी वहां से आता था during द monsoon और monsoon के दौरान दिस स्ट्रीम वुड बी अ गशिंग टोरेंट वो नाला जो है एक बहुत बहती हुई बहुत ज़्यादा बहती हुई नदी के रूप में बदल जाता था कास्केटिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स और वो नदी वो जो बहती हुई नदी थी वो पहाड़ियों से नीचे उतरती थी बट ड्यूरिंग द समर मगर गर्मियों के दिनों में इट वॉज बियरली ट्रिकल उस नाले का पानी बहुत छोटी जलधारा के रूप में बदल जाता था उसमें बहुत थोड़ा सा पानी रह जाता था द रॉक्स हाउ एवर द वॉटर इन पूल हालांकि वो चट्टाने उस तालाब में पानी को रोके हुए थी एंड इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन्स और वो तालाब जैसे कि मैदानों के तालाब होते हैं वैसे वो सूख नहीं जाता था वेन रणजी सौदा पूल जब रणजी ने वो तालाब देखा ही डिड नॉट हेजिटेट टू गेट इन टू इट वो इसमें कूदने के लिए उस तालाब में कूदने के लिए वो बिल्कुल भी नहीं झीज का उसने कोई संकोच नहीं किया ही हैड ऑफन गॉन स्विमिंग वो अक्सर तैरने जाया करता था एलोन और विद फ्रेंड्स या तो अकेले या फिर अपने दोस्तों के साथ वैन ही हैड लिव्ड विद हीज पेरेंट्स इन अ थर्स्टी टाउन इन द मिडल ऑफ द राजपुताना डेजर्ट जब वो अपने माता पिता के साथ राजपुताना रेगिस्तान के बीच में उस प्यासे शहर में रहता था कस्बे में रहता था तब वो अक्सर वहाँ नहाने जाया करता था दे वहाँ पर ही हैड नोन ओनली स्टिकिंग मीपूज वहाँ पर राजपुताना में वो सिर्फ चिपचिपे और कीचड़ वाले तालाबों के बारे में ही उसको पता था वेयर बफलोज वेलोड जहां पर भैंसे लौटती रहती थी एंड वीमन वॉश क्लोव और औरतें उन तालाबों में कपड़े साफ किया करती थी ही हैड नेवर सीन लाइक दिस मगर उसने इस तालाब जैसा जो कि वहाँ पहाड़ों में उसने देखा वैसा तालाब उसने कभी नहीं देखा था सो क्लीन एंड कोल्ड एंड इनवाइटिंग जो कि इतना साफ इतना ठंडा और इतना मनमोहक तालाब था ही लेफ्ट इन टू द वॉटर वो पानी में कूद पड़ा हिज लिम्स वर सपल उसके शरीर के अंग कोमल थे फ्री ऑफ एनी फैट और उसमें कोई चर्बी नहीं थी एंड हिज डार्क बॉडी ग्लिस इन द इन पैचिज ऑफ सन लिट वॉटर और पानी में उसका शरीर उसका काला शरीर चमकने लगा उन पैचिज में उन धब्बों में जो कि धूप के धब्बे पानी के ऊपर पड़े हुए थे द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्वेंस हिज बॉडी इन द कूल वाटर्स ऑफ द फॉरेस्ट पूल अगले दिन वो दोबारा उस जंगल के तालाब के पानी में ठंडे पानी में अपने शरीर की प्यास बुझाने के लिए वो दोबारा आया ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर वो वहाँ पर उसको लगभग एक घंटा स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ द लिंपिड ग्रीन वाटर उस निर्मल हरे जल के अंदर बाहर खिसकते हुए उसको लगभग एक घंटा हो गया था और लाइंग स्ट्रेच आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स इन द शेड ऑफ ब्रॉड लीव्ड सॉल ट्रीज और वो वहां पर लेटा हुआ था लाइंग स्ट्रेच आउट वहां पर शरीर को फैलाए हुए एक नरम पीली चट्टानों के ऊपर इन द शेड ऑफ ब्रॉड लीव्ड साल ट्रीज बड़े बड़े पत्तों वाले साल के पेड़ों की छाया में पत्थरों के ऊपर अपने शरीर को फैलाकर वो लेटा हुआ था इट वॉज वायल ही ले दस उसी समय जब वो इस तरह से लेटा हुआ था दैट ही नोटिसड एन अदर बॉय स्टैंडिंग अ लिथल डिस्टेंस अवे उसने एक दूसरे लड़के को जो कि थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ था उसने देखा स्टेयरिंग एट हिम इन अ होस्टाइल रेदर होस्टाइल मैनर जो कि उसकी तरफ थोड़ा शत्रुवत भाव से उसकी ओर देख रहा था दुश्मनी के भाव से वो उसको देख रहा था अदर बॉय वॉज अ लिटल ओल्डर देन रणजी वो दूसरा लड़का रणजी से थोड़ा उम्र में बड़ा था टॉल थोड़ा सा उससे लंबा था थिक सेट उससे थोड़ा भरा पूरा था विद अ ब्रॉड नोज एंड थिक रेड लिप्स जिसके जिसके चौड़ा नाक और मोटे मोटे लाल थे he had only just noticed रंजी. उसने अभी-अभी को देखा था and when रंजी से जब रंजी ने कुछ नहीं कहा आउट तो दूसरा दूसरे लड़के ने पुकारा वट आर यू डूइंग श्रीमान तुम यहां पर क्या कर रहे हो रंजी, who was? रंजी जो कि हु वॉज टेकन अबैक जो कि बहुत चक्का रह गया एट द होस्टिलिटी ऑफ द अदर अद जो कि उस दूसरे लड़के की इस तरह से शत्रुवत रणजी हु वॉज थोड़ा सा यहाँ पर छूट गया रणजी हु वॉज फ्रेंडली हु वॉज प्रिपेयर टू बी फ्रेंडली रणजी जो कि मित्रता करने के लिए तैयार था रिप्लाइड वाई डोंट यू वाई डोंट यू उसने उत्तर दिया रणजी हु वॉज प्रिपेयर टू बी फ्रेंडली रणजी जो की दोस्ती करने के लिए तैयार था वॉज टेकन अबैक एट द हॉस्टेलिटी ऑफ द अदर्स टोन वो उस दूसरे लड़के की दुश्मनी भरे भाव पर वो हैरान हो गया रिप्लाइड उसने उत्तर दिया वाई डोंट यू वाई डोंट यू ज्वाइन मी तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो जाते हो आई ऑलवेज स्विम अलोन मैं हमेशा अकेला ही तैरता हूं द अदर दूसरे लड़के ने कहा दिस इज माई पूल ये मेरा तालाब है आई डिड नॉट इन्वाइट यू हि मैंने तो तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू द रणजी वो अजनबी लंबे लंबे डग भर के रन रणजी के पास वो अजनबी पहुंचा हु स्टिल सेट ऑन द रॉक जो अभी भी चट्टान के ऊपर बैठा हुआ था एंड प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फॉर्मली ऑन द सैंड और अपने चौड़े पैर को बड़ी दृढ़ता के साथ मजबूती के साथ रेत पर गाड़ते हुए सेड उसने कहा दिस वुड बी सेटल दिस वुड सेटल द मैटर वंस एंड फॉर ऑल इसे मामला हमेशा के लिए सुलझ जाएगा द मैटर वंस एंड फॉर ऑल डोंट यू नो आई एम अ वॉरियर क्या तुम नहीं जानते मैं एक योद्धा हूँ आई डू नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम ब्लेजर लाइक यू मैं तुम जैसे गाँव वालों से उत्तर नहीं लेता सो यू लाइक टू फाइट विद ब्लेजर्स सेड रणजी तो रणजी ने कहा क्या तुम गांव वाले से ग्रामीण से लड़ना चाहते हो वेल well, तो ठीक है आई एम नॉट अ विलेजर मैं गांव वाला नहीं हूँ आई एम अ फाइटर मैं एक लड़ाका हूँ आई एम अ वारियर मैं एक वारियर हूँ मैं एक योद्धा हूँ आई एम अ फाइटर मैं एक फाइटर हूँ दे हैड रीच एन एम्पा से तो उनका वहाँ पर झगड़ा हो गया वन सैड वन हैड सैड ही वॉज अ वारियर एक लड़के ने कहा था कि वो एक योद्धा है अदर प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ ऑफ़ फाइटर जबकि दूसरे ने अपने आप को फाइटर घोषित किया था देअ लिटल एल्स दैट कुड बी सैड वहां पर बहुत कम चीजें थी जो कि वो कह सकता था यू अंडरस्टैंड दैट आई वॉरियर तुम समझते हो कि मैं एक योद्धा हूं सैड द स्ट्रेंजर अजनबी ने कहा फीलिंग दैट पर दिस इंफॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड रणजीज हैड उसने ऐसा महसूस किया कि शायद ये सूचना उसके रंजी के दिमाग के अंदर नहीं घुसी होगी आई हैव हॉड यू से इट थ्री टाइम्स मैंने सुन लिया है तुमने इसको तीन बार कहा रिप्लाइड रंजी रंजी ने उत्तर दिया देन वाई आर आर यू नॉट रनिंग अवे तब तुम यहाँ से क्यों नहीं भाग रहे हो आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे मैं तुम्हारा यहाँ से भागने का इंतजार कर रहा हूँ आई विल हैव टू बीट यू मुझे तुम्हें पीछना पड़ेगा सरदा स्ट्रेंजर अजनबी ने कहा अज्यूमिंग अ वायलेंट एटीच्यूड और उसने हिंसात्मक रवैया अपना लिया शोइंग रणजी द पाम ऑफ हिज हैंड और उसने रणजी को अपने हाथों की हथेली दिखाते हुए वो कहा आई मो आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट सैट रणजी रणजी ने कहा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि तुम ऐसा करो यू विल सी मी डू इट तुम मुझे ऐसा करते हुए देखोगे सेट दॉय दूसरे लड़के ने कहा रणजी वेटिंग रणजी ने इंतजार किया द अदर बॉय मेड अस्ट्रेंज हीशिंग साउंड उस दूसरे लड़के ने बड़ा अजीब सा और फुंकार भरी आवाज़ निकाली दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट उन्होंने लगभग एक मिनट तक वो एक दूसरे को घूरते रहे देन द वॉरियर स्लैप्ड रंजी अक्रॉस द फेस विद ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर तब रंजी ने तब उस योद्धा ने रंजी को उसके चेहरे पर पूरे जोर के साथ जितना जितनी बल वो अर्जित कर सकता था उतनी शक्ति के साथ उसको थप्पड़ मारा रंजी स्टैगर्ड रंजी वहां पर लड़खड़ाने लगा फीलिंग क्वाइट उसको बिल्कुल चक्कर आने लगा वर थिक रेड फिंगर मार्क्स चीक। उसके गाल पर मोटे मोटे लाल रंग के अंगूठियों के निशान छप गए देयर यू आर लो एक्सक्लेम्ड हिज असाइलेंट उस पर हमला करने वाले रंजी पर हमला करने वाले ने कहा ये ले लो ये लो विल यू बी ऑफ नाउ क्या अब तुम यहाँ से चले जाओगे क्या तुम यहाँ से अब नहीं जाओगे फॉर आंसर रंजी स्वंग हिज आम अप उत्तर के लिए रंजी ने अपना बाजू ऊपर उठाया एंड पुश अ हार्ड बोनी फीस्ट इन टू द अदर्स फेस और उसने उस दूसरे लड़के के चेहरे पर अपना वो जोर से और अपना वो हड्डी वाला पतला दुबला पतला हाथ दुबली पतली मुट्ठी से उसको उसके चेहरे पर मारा। and then they were at each other's throats. तब उनने एक दूसरे को गलों से पकड़ लिया स्विंग ऑन द रॉक और वो चट्टान के ऊपर लुढ़कते रहे झूलते रहे टम्बलिंग ऑन टू देंड और लुढ़कर वो रेत पर आ गए रोलिंग ओवर एंड ओवर और वो ऊपर नीचे लुढ़कते रहे देर लेग्स एंड आर्म्स लॉकड इन अ डेस्परेट वायलेंट स्ट्रगल और उनकी उनकी टांगे अंधाधुंध और हिंसात्मक संघर्ष में उनकी टांगे जो है बंधी हुई थी मतलब एक दूसरे को टांगों से उनने पकड़ा हुआ था गास्पिंग एंड क्रशिंग और वो हाँफ रहे थे और वो एक दूसरे को कर्सिंग गाली दे रहे थे क्लॉइंग नाखून मार रहे थे एंड स्लैपिंग एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे थे दे रोल्ड इन टू द शैलोज ऑफ द पूल और वो उस छिछे उस तालाब के छिछले जल में लुढ़कर चले गए इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यूड यहाँ तक कि पानी में भी उनकी लड़ाई चलती रही स्प्लैटरिंग एंड कवर्ड विद मर्ड और वो जल्दी जल्दी बोल रहे थे हकलाते हुए बोल रहे थे और वो कीचड़ से सने हुए थे दे ग्रॉप फॉर ईच अद एंड थ्रोट और वो एक दूसरे के सिर और एक दूसरे के गलों को टटोलने लगे, लगेड अनसाइंटिफिक स्ट्रगल पांच मिनट के पागलों की तरह उन्मत्त और बेतरतीब संघर्ष करके नाइदर बॉय हैड एमर्ज विक्टोरियस उनमें से कोई भी लड़का विजेता नहीं हुआ मतलब कोई भी लड़का दूसरे को हरा नहीं पाया और जीत हासिल नहीं कर पाया देयर बॉडीज हीविंग विद एग्जॉशन और थकान से उनके शरीर जो है हाँफ रहे थे दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर और वो एक दूसरे से पीछे हटकर खड़े हो गए मेकिंग ट्रमेंडस एफर्ट्स टू स्पीक और वो बोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे नाउ नाउ डू यू रियलाइज अब क्या तुम्हें मालूम हुआ आई एम अ वॉरियर कि मैं एक योद्धा हूँ गास फॉर द स्ट्रेंजर वो अजनबी हाँफते हुए बोला डू यू नो आई एम अ फाइटर क्या तुम जानते हो कि मैं एक फाइटर हूँ सर रंजी विद डिफिकल्टी रंजी ने बड़ी मुश्किल से कहा दे गे व मोमेंट्स कंसिड्रेशन टू ईच अदर्स आंसर्स वो एक दूसरे के उत्तरों पर आ, कुछ क्षण तक सोचने लगे एंड इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस और चुप्पी के इन क्षणों में जब वो चुप थे तो उस समय देयर वॉज ओनली देयर हैवी ब्रीदिंग उस समय उनकी वो जोर जोर से जो श्वास ले रहे थे उसकी आवाज़ ही सुनाई दे रही थी एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हॉर्ट्स और उनके दिल की बड़ी तेज़ धड़कन ही सुनाई दे रही थी देन यू विल नॉट लीव द पूल तब तुम तालाब को नहीं छोड़ोगे द वॉरियर योद्धा ने कहा आई विल नॉट लीव इट मैं इसको नहीं छोड़ूंगा सर रंजी रंजी ने कहा देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट तब हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी द अदर दूसरे ने कहा ऑल राइट right, बिल्कुल ठीक रंजी रंजी ने कहा बट नाइदर बॉय मूवड मगर उनमें से कोई भी लड़का वहां से नहीं हिला नाइदर took टुक द और किसी ने भी लड़ने की पहल नहीं की वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन उस योद्धा को इस बात से प्रेरणा मिली वी विल कंटिन्यू द फाइट टू तब हम कल अपनी लड़ाई जारी रखेंगे ही सेड उसने कहा इफ़ यू डेयर टू कम हियर अगेन टमोरो अगर तुम्हारी कल दोबारा यहाँ आने की हिम्मत हो वी विल कंटिन्यू दिस फाइट तो हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे एंड आई विल नॉट शो यू मसी एज आई हैव डन छुड़े तो मैं कल तुम पर दया जैसे मैंने आज दिखाई है वैसी दया मैं कल नहीं दिखाऊंगा आई विल कम टुमोरो मैं कल आऊँगा सेड रंजी रंजी ने कहा आई विल बी रेडी फॉर यू मैं तुम्हारे लिए तैयार रहूंगा देयर टर्न फ्रॉम ईच अद तब वो एक दूसरे से पीछे मुड़ गए वापस चला गए गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव रॉक्स और वो अपनी अपनी चट्टानों के ऊपर चला गए पुच ऑन देअर क्लोज उनने अपने अपने कपड़े पहने एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाई डिफरेंट रूट्स और वो अलग अलग रास्तों से उस जंगल से चले गए वेन रणजी गॉच होम ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन द कट्स एंड ब्रूजीज जब रणजी घर पहुँचा तो ये रणजी के लिए बहुत मुश्किल था कि अपने जो उसको कट के निशान और जो उसके उसको आ, नाखूनों के जो खुरचने के निशान थे उसके बारे में बताना उसको मुश्किल हो गया दैट शोड ऑन इज फेस जो कि उसके चेहरों चेहरे पर दिखाई देते थे लेग एंड आर्म्स और जो कि उसके टांगों पर और उसके बाजुओं पर जो कट और खुरचन के जो निशान थे उसके बारे में बताना उसके लिए मुश्किल था इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंसील द फैक्ट इस सच को छुपाना मुश्किल था दैट ही हैड बीन इन एन अनयूजअली वायलेंट फाइट की ये उसको बताना मुश्किल था इस बात को छुपाना मुश्किल था कि उनकी एक असाधारण रूप से हिंसात्मक लड़ाई हुई है एंड हीज़ मदर इंसिस्टेड ऑन हीज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे और उसकी माँ ने जिद की कि वो बाकी दिन भर वो घर पर ही रुके दैट इवनिंग दो ही स्ली आउट ऑफ द हाउस उस शाम को हालांकि वो घर से खिसक जाता है एंड वेंट टू द बाज़ार और वो बाजार चला गया वेयर ही फाउंड कम्फर्ट एंड सॉलिस इन अ बोटल ऑफ विविडली कलर्ड लेमोनेट वहाँ पर बाजार में उसको साफ़ रंग की नींबू पानी की बोतल से उसको आराम और उसको शांति मिली उनको बोतल को पीने से नींबू पानी को पीने से उसको शांति मिली एंड अ बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट स्वीट जलेबीज और और गरम गरम और मीठी मीठी केले के, के पत्ते भर जलेबी खाने से उसको बड़ी शांति मिली ही हैड जस्ट फिनिश्ड द लेमोनेड उसने अभी उस नींबू पानी को खत्म ही किया था वैन ही सॉ जब उसने देखा हिज एडवर्जरी कमिंग डाउन द रोड अपने दुश्मन को सड़क से नीचे आते हुए देखा हिज फर्स्ट इम्पल इम्पल्स वॉज टू टर्न अवे उसका पहला जो भाव था उसका पहला जो उसको आवेश आया वो था कि वो वहाँ से हट जाए वहाँ से मुड़ जाए दूर चला जाए एंड लुक एल्सवेयर और वो कहीं दूसरी जगह देखे इज सेकेंड टू थ्रो द लेमोनेड बैचल एट हीज़ एनिमी और दूसरा उसके मन में जो भाव आया वो ये था कि वो अपने दुश्मन पर उस नींबू पानी की बोतल को फेंके बट ही डिड नाइदर ऑफ मगर उसने नाइदर ऑफ दीज थिंग्स उसने इनमें से कोई भी चीज़ नहीं की इन इसके विपरीत इसके बजाय ए स्टूड हिज ग्राउंड वो जमीन पर खड़ा हो गया एंड स्कॉल्ड एट हिज पासिंग एडवर्जरी और वहाँ से गुजरते हुए अपने दुश्मन की ओर वो घूरने लगा एंड द वॉरियर सैड नथिंग आई और उस योद्धा ने भी कुछ नहीं कहा बट स्कॉल्ड बैक विद इक्वल फेरोसिटी और वो पूरी बराबर भयानकता के साथ उसकी तरफ दोबारा वापस घूरने लगा द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस वन अगला दिन भी उतना ही गर्म था जितना कि पिछला दिन था पहले वाला दिन था रणजी फैल्ट वीक रणजी को कमजोरी महसूस होने लगी एंड लेजी और सुस्ती महसूस होने लगी एंड नॉट एट ऑल ईगर टू फाइट और रणजी लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था हिज बॉडी स्टिफ एंड सोर उसका शरीर अकड़ रहा था और दुखने लगा था आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर पहले दिन की मुठभेड़ से उसका दि उसका शरीर दुखने लगा था बट ही कुड नॉट रिफ्यूज़ द चैलेंज मगर वो चुनौती लेने से इनकार नहीं कर सकता था नॉट अप ना द पूल वुड बी एन एक्नोलेजमेंट ऑफ डिफीट तलाप पर ना आने का मतलब था कि उसने हार मान ली है Acknowledgement means कर लेना मान लेना फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बीटन इन एनअर फाइट जिस तरह से ही फेल्ट उसने महसूस किया जस्ट देन उस समय जैसा उसने महसूस किया ही न्यू वो जानता था कि वो एक और लड़ाई में वो हार जाएगा बट ही कूड नॉट एक्वीस इन हिज ओन फाइट मगर वो ओन डिफीट वो अपनी हार नहीं मान सकता था ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट उसको अपने दुश्मन को अंत तक हराना चाहिए और आउटविट हिम और उसको हरा देना चाहिए फॉर ओनली देन कुन हीज रिस्पेक्ट केवल तब ही वो अपने मान सम्मान को हासिल कर सकता है इफ ही सरेंडर्ड नाउ अगर उसने अब हार मान ली आत्मसमर्पण कर लिया ही वुड बी बीटन फॉर ऑल ऑल टाइम तो वो हमेशा के लिए हार जाएगा बच टू फाइट एंड बी बीटन टूडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट मगर मगर लड़ना और हार जाना आज हार जाना लड़ना और हार जाना आ, हार जाने का मतलब था कि वो आगे लड़ने के लिए वो स्वतंत्र है एंड बी बीटन अगेन और दोबारा हार जाने के लिए वो आजाद था एज लॉन्ग एज ही फॉट जब तक वो लड़ा जब तक वो लड़ा ही हैड राइट टू पूल इन फॉरेस्ट जब तक वो लड़ेगा तब तक उसका उस जंगल के तालाब पर अधिकार होगा ही दैट द वॉरियर वुड द चैलेंज वो आशा कर रहा था उम्मीद कर रहा था कि वो योद्धा उस चुनौती को भूल गया होगा बट दीज होप्स वर डैश मगर वो सारी आशाएं मिट्टी में मिल गई व्हेन ही सॉ हिज अपोनेट सीटिंग टू द वेस्ट ऑन अ रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल जब उसने अपने दुश्मन को अपने विरोधी को बैठे हुए वहां पर चट्टान के ऊपर तालाब के दूसरी तरफ चट्टान के ऊपर कमर तक कमर तक नंगा होकर वहां पर बैठे हुए उसने देखा द रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी वो योद्धा अपने शरीर पर तेल मल रहा था ई सॉ रंजी बीनीथ द सॉल ट्रीज उसने रंजी को साल के पेड़ों के नीचे देखा एंड कॉल्ड अ चैलेंज अक्रॉस द वॉटर्स ऑफ द पूल और वो उसको तालाब के पानी के पार उसको चुनौती देने लगा कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट इस तरफ आ जाओ और लड़ो ही शाउटेड वो चिल्लाने लगा बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन ले डाउन बाई हिज अपोनेंट मगर रंजी अपने दुश्मन की किसी भी शर्त के सामने हार मारने वाला नहीं था कम दिस और मुझसे लड़ो ही स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी तैर कर पार आ जाओ और मेरे से यहाँ पर लड़ो कॉल दादर दूसरे ने पुकारा और पर नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल या शायद तुम इस तालाब की लंबाई को कर पार नहीं कर सकते हो बट स्वम द लेंथ ऑफ टाइम्स विदाउट विदिंग मगर रंजी ने उस तालाब की लंबाई को बिना थके हुए दर्जनों बार पार किया होगा पार कर सकता था एंड हियर ही वुड शो द हिज हिस्पिरिटी और यहां पर वो अपने अपनी श्रेष्ठता उस योद्धा को दिखाएगा सो स्लीपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट इस इस तरह से अपने बनियान को उतार कर ही डाइव स्ट्रेट इन टू द वॉटर उसने सीधा पानी में डुबकी लगाई कटिंग थ्रू इट लाइक अ नाइफ और चाकू की तरह उस तालाब के पानी को काट कर एंड सरफेस विद हार्डली अ स्प्लैश और लगभग शायद एक ही छपा के साथ वो पानी के ऊपर आ गया पानी की सतह के ऊपर आ गया द वियर्स माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट उस योद्धा का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया यू कैन ड्राइव तुम तो डुबकी लगा सकते हो ही एक्सक्लेम्ड तुम डाइव भी कर सकते हो उसने आ, हैरानी के साथ कहा इट इज ईजी ये बिल्कुल आसान होता है said Ranji Ranji ने कहा treating water पानी पर तैरते हुए उसने कहा वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंज और वो इसके अलावा किसी और चुनौती का इंतजार कर रहा था कांच यू डाइव क्या आप डाइव नहीं कर सकते हो नो सर दादर दूसरे ने कहा आई straight इन मैं सीधे छलांग लगाता हूँ बट इफ़ यू विल टेल मी हाउ अगर तुम मुझे बताओगे कि किस तरह से डुबकी लगाते हैं आई विल मेक अ डाइव तो मैं डुबकी लगाऊंगा इट इज़ ईजी ये आसान होती है सैड Ranji, Ranji ने कहा स्टैंड ऑन द रॉक चट्टान के ऊपर खड़े जाओ खड़े हो जाओ स्ट्रेच योर आर्म आउट अपनी बाजुओं को बाहर फैलाओ एंड अलाउ योर हैड टू डिसप्लेस योर feet। और अपने पैर को अपने सिर की जगह लेने दो स्टूड अप वो योद्धा खड़ा हो गया स्टिफ एंड स्ट्रेट आकड़कर और सीधा खड़ा हो गया स्ट्रेस आउट हिज आर्म्स उसने अपनी बाजू फैलाई एंड थ्रू हिम हिम सेल्फ इन टू द वॉटर और उसने पानी में छलांग लगा दी ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज वैली वो अपने पेट के बल सीधा नीचे गिर गया क्रैश धड़ाम के साथ नीचे गिर गया सेंट आउट ऑफ ट्रीज जिसके कारण पेड़ों के पक्षी चीखते हुए वहां से उड़ गए रंजी डिजॉल्व इन टू लाफ्टर रंजी हंस हंस कर लोटपोट हो गया आर यू ट्राइंग टू एम्पटी द फूल क्या तुम तालाब को खाली करने की कोशिश कर रहे हो ही उसने पूछा एज द वॉरियर केम टू द सरफेस जब वो योद्धा पानी की सतह पर आया स्पाउचिंग वाटर लाइक अ स्मॉल व्हील और एक छोटी व्हेल मछली की तरह पानी को बाहर निकालते हुए जब वो पानी के सतह पर आया तो उसने पूछा वजन इट गुड क्या ये आ, अच्छा नहीं था सर आज कर लड़के ने पूछा एविडेंटली प्राउड ऑफ हिज फीट जाहिर तौर पर स्पष्ट तौर पर वो उसको अपने इस करतब पर काफी नाज था गर्व था नॉट वेरी गुड ये ज्यादा अच्छा नहीं था सर रंजी रंजी ने कहा यू शुड have मोर प्रैक्टिस आपको और अभ्यास करना चाहिए सी आई विल डू इट अगेन देखो मैं दोबारा डुबकी लगाता हूं एंड फूलिंग हिमसेल्फ अप ऑन रॉक और अपने आप को चट्टान के ऊपर खींचते हुए ही एग्जीक्यूटेड एन अदर परफेक्ट डाइव उसने एक और अच्छी डाइव लगाई द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप उस दूसरे लड़के ने उसके ऊपर आने का इंतजार किया बट परंतु स्विमिंग अंडर वाटर पानी के नीचे से तैरते हुए रंजी सर्कल हिम रंजी ने उसका चक्कर लगाया एंड केम अपॉन फ्रॉम बिहाइंड और पीछे से उस पर झपट पड़ा हाउ डिड यू डू दैट आपने ऐसा कैसे किया आस्कड़ द एस्ट्रोनिश्ड यूथ उस हैरान नौजवान को पूछा पूछकर उसने कहा आप ऐसा कैसे करते हो स्विम अंडर वाटर क्या आप पानी के नीचे नहीं तैर सकते हो आज कर रंजी रंजी ने पूछा नो बट आई नहीं मगर मैं इसकी कोशिश कर सकता हूं द वॉरियर मेड अ ट्रमेंडस एफर्ट टू प्लस टू द बॉटम ऑफ द पूल उस योद्धा ने काफी ज्यादा प्रयास किया कि वो उस तालाब के तले तक नीचे जा पाए एंड इन डीड ही थॉट ही हैड गोन राइट डाउन और वास्तव में असल में उसने ये सोचा कि वो सीधा नीचे चला गया है दो हिज बॉटम हालांकि उसका पिछवाड़ा लाइक डक्स जैसा कि बतख का बतख की पीठ होती है रिमेन्ड अब सरफेस वो पानी की सतह के ऊपर ही रही रणजी हाउ एवर डिड नॉट डिसकेज हिम रणजी ने हालांकि उसको हतोत्साहित नहीं किया इट वॉज नॉट बैच ये बुरा नहीं था ही सेड उसने कहा बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस मगर आपको बहुत ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता है विल यू टीच मी क्या आप मुझे बताओगे आज कड़ी से एनमी उसके उस दुश्मन ने पूछा इफ़ यू लाइक अगर तुम चाहो आई विल टीच यू तो मैं आपको बताऊंगा यू मस्ट टीच मी आपको मुझे बताना ही होगा इफ़ यू डू नॉट टीच मी अगर आपने मुझे नहीं बताया आई विल बीच यू तो मैं तुम्हें पीटूंगा विल यू कम हेयर एवरी डे एंड टीच मी क्या तुम रोज आकर मुझे बताओगे इफ़ यू लाइक अगर तुम चाहो सेड रंजी रंजी ने कहा दे है अपने आप को पानी से निकाल दिया एंड बाई चट्टान के ऊपर पास पास बैठे हुए थे माई नेम इज सूरज मेरा नाम सूरज है सेट द वारियर योद्धा ने कहा वट इज योर आपका क्या नाम है इट इज रंजी मैं रंजी हूँ आई एम स्ट्रोंग Am I not? मैं शक्तिशाली हूं मैं स्ट्रॉन्ग हूं क्या मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूं आजकल सूरज सूरज ने पूछा बैंडिंग अपने बाजू को इस तरह से मोड़ते हुए सो दैट अ बॉल ऑफ मसल टू ड्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लैश इस तरह से उसने अपने बाजू को मोड़ा कि एक एक मसल का एक मांसपेशी का एक बॉल जैसा गोला उसके सफेद मांस के ऊपर खड़ा हो गया यू आर स्ट्रोंग आप शक्तिशाली हो सैड रंजी रंजी ने कहा यू आर अ रियल पहलवान तुम असली पहलवान हो वन डे आई विल बी द वर्ल्ड चैंपियन रेसलर एक दिन मैं संसार का चैंपियन रेसलर बनूंगा पहलवान बनूंगा सेड सूरज सूरज ने कहा स्लैपिंग इज थाइज अपने जांगों को पटकते हुए कहा उस पर मारते हुए कहा विच शुक द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड और उसके जांगे उसके हाथ के वार के प्रभाव से वो हिलने लगी ही लुकड़ क्रिटिकली एट रनजी इज हार्थ इन बॉडी उसने रंजी की कठोर पतले शरीर को आलोचना आलोचनात्मक ढंग से देखा यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ तुम खुद भी बहुत शक्तिशाली हो ही कंसीडिड उसने ये बात मानी बट यू आर छू बोनी मगर तुम बहुत ज़्यादा दुबले हो आई नो मैं जानता हूँ यू पीपल डू नॉट ईट एनफ आप लोग पर्याप्त खाना नहीं खाते हो यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विद मी तुम आकर मेरे साथ भोजन करो आई ड्रिंक वन शेयर ऑफ मिल्क एवरी डे मैं एक शेर दूध हर रोज़ पीता हूँ वी हैव गॉट अवर ओन कऊ हमारे पास अपनी गाय है बी माई फ्रेंड एंड मेरा मित्र बनो मेरे मित्र बन जाओ और मैं आपको आई विल मेक यू और पहलवान लाइक मी मैं तुम्हें अपनी तरह पहलवान बना दूंगा सूरज पुट इज आम अराउंड अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड सूरज ने अपने बाजू उस नौजवान लड़के के चारों तरफ रख दी एंड सेड और कहा वी आर वी आर